दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त रोज भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। एक्ट्रेस एली अवराम ने फिल्म मलंग के अपने रोल के बारे में मीडिया से की कुछ खास बातचीत। फिल्म मलंग सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इस मौके पर आज मुंबई में एक्टर एली अवराम ने मीडिया से बातें की और बताया कि फिल्म का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। सीनियर जर्नलिस्ट क्रिटिक्स ने फिल्म देखी है और लोगों को फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है। इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ। एली अवराम ने बताया कि ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर मुझे हिंदी बोलने का चांस मिला और साथ ही मुझे बहुत बड़ा कैरेक्टर भी मिला। मैं अपने कैरेक्टर से अपने फिल्म से बहुत ही खुश हूँ। एली ने बताया कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसे ढेरों सारी फिल्में मिली तो मैं अच्छा काम भी करूंगी। वेल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है। मैंने भी मलंग कल ही देखा, कल रात को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो मतलब to hear this is amazing. मैं बहुत खुश हूँ and it feels great because हम सब ने बहुत मेहनत किया है, you know, and it's a very deep and strong movie. And I mean, मैंने मतलब अपने character के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत क्या बोलते हैं, it was very very emotional and lot of hard work into it, so to get this appreciation, matlab it's the best, you know, for an actor, it's yeah. Film Bablu Bajter ke trailer launch ke mauke par Sharma Joshi, Pooja Chopra aur film ke star cast hue present. Aaj Mumbai mein film Bablu Bajter ka trailer launch kiya gaya aur is mauke par film ke star cast Sharma Joshi, पूजा चोपड़ा ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी। शेखर ने मीडिया से बातें की और बताया कि मैं रियल लाइफ में तो बैचलर नहीं हूँ, लेकिन फिल्म में बैचलर होने का एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं पूजा चोपड़ा ने कहा कि वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी बैचलर है और उनके अनुसार बैचलर लाइफ का मजा ही कुछ और होता है। इसके अलावा शर्मन जोशी और पूजा चोपड़ा को अपनी अपकमिंग फिल्म रिलीज होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। बहुत ही अच्छा रहा, रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी है, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आई थिंक। एंड पूजा तेजश्री अग्नि के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते कि जब पिक्चर रिलीज होगी आप सबको पसंद आएगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई वांटेड टू डू अ रोम कॉम, मैं एक्शन 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 काफ़ी कर लिए थे। सो द आइसिंग ऑन द केक वाज ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट, देन शर्मन द डायरेक्टर। तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई होप एवरीबॉडी लव्स द फिल्म टू। मुक्ता ए टू सिनेमाज ने निराली भाटिया और रितेश भाटिया के साथ सेलिब्रेट किया सिर्फ इंटरनेट डे। आज मुंबई में मुक्ता ए टू सिनेमाज ने निराली भाटिया और रितेश भाटिया के साथ सिर्फ इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया। निराली भाटिया और रितेश भाटिया ने मीडिया से बातें की और बताया कि युद्ध को साइबर क्राइम से दूर रखना होगा, इंटरनेट से दूर रखना होगा। युद्ध को अपने सेलफोन में, अपने कॉन्टैक्ट में, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ढेरों सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। युद्ध हमेशा परेशान होते हैं कि उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पर ढेरों सारे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हैकर्स की नज़र आप पर होती है। So firstly, thank you, Akansha. Thank you, everybody from the Mukta team for inviting us. It's really an honor. Now, if you ask me how safe your pictures are, they are not at all safe. Anything that's on your mobile or on your computer, as long as it is connected to the internet, please understand that this is just, you know, many people tell me I don't share it. Main apni pictures ko share hi nahi karta hu. ऐसा कुछ नहीं है, आप शेयर नहीं करते हो, बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर एनी वे टेकिंग द पिक्चर्स फ्रॉम यू। तो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक यू नो व्हेन यू इंस्टॉल योर मोबाइल एप्स, डजंट इट आस्क फॉर एक्सेस टू योर गैलरी? सो हु हैज मेड द मोबाइल ऐप? इट्स जस्ट अ डेवलपर, लाइक यू नो शी हैज़ अ टीम दैट डेवलप्स एप्स। नाउ लेट्स से शी क्रिएट्स एन ऐप फॉर यू नो बुक माई शो और फॉर मुक्ता ए टू और एनी बडी, एंड दे से क्योंकि वी वॉन्ट टू यू नो हैव एक्सेस टू योर इमेजेस,
So what do you mean when they say that they need access to the gallery, the entire gallery? So whatever photographs you're storing, somebody else can also see. It's just not the Google or the Facebook, it's also the owner of that particular app. Well, unfortunately, it's not age specific, it's not gender specific. Yes, when it is targeted abuse, then there is a specific age or a gender over there. Otherwise, it's each and every user who's in a hurry, who's not applying common sense, who's not applying logic. It's whatever you will do in a physical world for your safety, for your privacy, is exactly what you do in a cyber world. But just because the medium is built in such a way that the speed is so much, you're always very impatient and in a hurry that if I don't do it now, then it's lost. So that's where we fall prey to. So it's irrespective of age and gender. Like I have a client who's as young as 11 and another one is as old as 82. And men, women, all included. So really not particularly age specific. लोटस मेकअप इंडिया फैशन वीक की ऑडिशन राउंड में उर्वशी रौटेला एज ए जज नजर आई। मिस इंडिया कहे या मोस्ट सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला आज हमें लोटस मेकअप इंडिया फैशन वीक की ऑडिशन राउंड में एज ए जज नजर आई। जी हाँ, बहुत ही जल्द आ रही है LMIFW, जहाँ ऑटम विंटर कलेक्शन आपके लिए शोकेस किया जाएगा और इसी के लिए आज सारे फ्रेश मॉडल्स अपनी ऑडिशन देने पहुँचे, जिसे जज किया है कुछ डिजाइनर्स और उर्वशी रौटेला ने। उर्वशी ने हमें बताया कि कैसे आज जज बनकर अपने पुरानी डेज को याद कर रही थी, जब वो भी ऐसे ही एज अ कंटेस्टेंट के रूप में आई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे ये जनरेशन चेंज हुई है और जहां उर्वशी के टाइम में फैट मॉडल्स अलाउड नहीं थी, तो वही आज उनको भी मौका दिया जा रहा है। उर्वशी ने अपना नजरिया बताया और अपनी ऑडिशन से लेकर जज तक का सफर भी बताया। साथ ही उर्वशी ने फ्रेश न्यू मॉडल्स को कई सारे टिप्स भी दिए। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फैशन वीक्स है और आज मॉडल हंट हो रहा है। वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट मॉडल्स आउट ऑफ द लॉट। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कई सारी गर्ल्स आई हैं यहाँ पे टू यू नो जस्ट टू शोकेस व्हाट दे हैव टू शोकेस देयर टैलेंट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज आई रियली